नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉनी सोलन। आज हमारा जो बातचीत का विषय है वो है कि सेब की विभिन्न किस्में मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में या निचले इलाकों में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। ये जो बगीचा जहाँ पर हम खड़े हैं ये वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित हिमाचल प्रदेश विकास परियोजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसमें हम तीन तरह का काम कर रहे हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज करने के लिए तीन बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें पहला बिंदु है कि विभिन्न किस्मों और रूट स्टॉक के कॉम्बिनेशन की परफॉर्मेंस किस तरह से इस लोअर एल्टीट्यूड वाले इलाकों में आ रही है। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 8 वेराइटीज़ हैं और 2 रूट स्टॉक पर लगी है। जो वेराइटीज़ लगी हैं, सबसे पहले बात करें रेड ब्लॉक्स जो M9 रूट स्टॉक पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया रंग आ रहा है, बड़ी अच्छी बढ़वार पौधों की आ रही है। इसके अलावा हमारे पास जो और वेराइटीज़ हैं, 2 तरह के रूट स्टॉक है, MM106 है और M9 है। जो अच्छी बढ़वार वाली किस्में हैं सेमी स्पर वेराइटीज़, वो M9 पे लगी है, और जो स्पर वेराइटीज़ हैं वो MM106 रूट स्टॉक पर लगी है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी गेलगाला किस्म है, ये विग्रस है, अच्छा कलर आ जाता है और अच्छी गुणवत्ता फलों की बन जाती है, और इसकी थोड़ी सी इम्प्रूव्ड वर्जन गाला सीरीज़ में ही आप रेडलम गाला देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा रंग और भी अच्छा है गेलगाला से, और ये थोड़ा सा जल्दी परिपक्व हो जाती है, लगभग 8-10 दिन पहले इसे परिपक्व हो जाती है। ये दोनों पॉलिनाइजिंग वेराइटीज़ हैं जो कॉम्बिनेशन में हमने एज ए पॉलिनाइजर लगाई है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी कमर्शियल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, लगभग इतना ही मूल्य बागवान को उपलब्ध हो जाता है जितना मेन आपको कमर्शियल वैरायटी से डेलिशियस वैरायटी से हो जाता है। अब बात करते हैं और वैरायटीज़ की, आप थोड़ा और आगे आइए, ये एक पर किस्म है MM106 रूट स्टॉक पर लगी है, रेड कैप वाइट टॉट, ये जो हमारे पास पहले से स्पर किस्में थी उनमें से एक नई स्पर किस्म है और बहुत अच्छा रंग आता है, जल्दी आने वाली किस्म है और बहुत बढ़िया इसकी भी परफॉर्मेंस हमारे पास यहाँ आ रही है। अगली वैरायटी की बात करते हैं, बीच में फ्यूजी की है लेकिन हम बात अलग से करेंगे, यहाँ से शुरुआत करें, ये जेरोमैन वैरायटी है, M9 रूट स्टॉक पे लगी है। हमारे पास यहाँ जितनी वैरायटीज लगी है उनको हम अगर 2 भागों में बांट दें, एक स्पर और एक नॉन स्पर, तो नॉन स्पर में इस लोअर एल्टीट्यूड पे जेरोमैन वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वैरायटी वाइज भी इसकी यील्ड वाइज परफॉर्मेंस के लिए भी और इसकी गुणवत्ता के लिए भी। इसके अलावा पॉलिनाइजिंग वैरायटीज़ की अगर बात करें हम, 2 में पहले आपको दिखा चुका हूँ, रेडलम गाला और गेल गाला, एक वैरायटी हमारे पास ओबिल अर्ली फ्यूजी, ये भी M9 पे लगी है, विग्रस वैरायटी है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं कही जा सकती, ये एक लेट वैरायटी है, जब हमारे बाकी के वैरायटीज़ के फल यहाँ से टूट जाते हैं तो इनमें तब भी कलर नहीं आ पाया होता है और अकेले इनको बचाना बहुत मुश्किल है, देर तक हम रख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए लोअर एल्टीट्यूड्स के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, अदरवाइज बहुत अच्छी वैरायटी है ये। इसके अलावा 7 वैरायटी जितनी हमारे पास यहाँ हैं वो सारी के सारी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं क्रोनल रूट स्टॉक पे, और जेरोमाइन उसमें सबसे बढ़िया हमारे पास रिजल्ट्स दे रही है अभी तक की जो हमारी स्टडीज़ हुई है पिछले 4 सालों में। एक और वैरायटी काल एक्सपर्ट 2, ये जो आप देख रहे हैं ये सुपर चिप के हैं, ये रेडलम गाला का है, तो मैं एक एक पेड़ के पास ले जा करके आपको एक्जैक्टली कि कौन सी वैरायटी हमारी किस तरह परफॉर्म कर रही है, वरना आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में कि सारी अच्छी, ये सुपर चिप है तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमारी जब 8 वैरायटीज़ पे हम काम कर रहे हैं उनमें से 2 वैरायटीज़ जो बची हैं, एक अब आपकी बची है स्कारलेट स्पर 2, ये आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस, एक पर किस्म में जल्दी आने वाली वैरायटी MM106 रूट स्टॉक पे लगी है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है।
इसके साथ साथ सुपर चीफ अगर हम स्कारलेट्स पर और रेड के वाटोड की अपेक्षा बात करें तो थोड़ा सा कलर आने में डिले है, उनमें अच्छा कलर अभी भी आ गया है, इसमें थोड़ा कलर आने में टाइम लगेगा। अदरवाइज वेराइटी ये भी एक बहुत अच्छी है, और इस पर जैसा मैंने कहा सारी की सारी MM 106 पे लगी है और सारी अच्छा परफॉर्म कर रही है।